सिम ओए ओए, पहले से इसके अंदर इतना सामान है, ये चले गया। सो कर दो भाई बंद, और अब मैं आपको बताते हैं सीन है क्या। सबसे पहले गाड़ी भी स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉगर। आज के ब्लॉग में आपको पता है क्या सीन है? आज के ब्लॉग में ये सीन है कि हम कुछ लोगों को सरप्राइज दे रहे हैं, कुछ लोगों को पता नहीं कि हम उनके साथ क्या सीन करने वाले हैं। अब जो उनके साथ सीन होने वाला है ना, वो देख के हिल जाएंगे, और कुछ लोगों को पता है जो हमारे साथ है। फिलहाल सारे दोस्तों को पिक करते हैं, फिर आप लोग बताते हैं कि सीन क्या, उनको भी बताते हैं साथ, और आप लोगों को भी बताते हैं कि सीन है क्या। ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, आ जाए। अभी तो हल्की भूल की भूख लगेगी, तो इसके लिए बिरयानी लेने आए, लेकिन अभी सीन तो मैं नहीं बता ना। सीन बता दो जा। नहीं नहीं, अभी नहीं बताऊंगा, जब गाड़ी में बैठेंगे और गाड़ी चल पड़ेगी ना, फिर बताऊंगा, वरना तुम भाग जाओगे। सीन ऐसा है। अच्छा, हाँ समझ रहे हो ना। आओ पहले थोड़ी बहुत बिरयानी ले लेते हैं, देखते हैं भाई देख के अंदर क्या है। ये तो खाली है यार, वो देखे भरी हुई होंगी। ओए होए होए, क्या खुशबू आ रही है यार। चले भाई, तो सफर शुरू करते हैं। और पता है कहाँ जा रहे हैं? किधर जा रहे हैं इसको बता दें, कहाँ जा रहे हैं बता दो यार, कब से पूछ रहा हूँ मैं। गारो जा रहे हैं? हाँ गारो जा रहे हैं, मतलब तैयार चलने के लिए। गारो 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 और कैफे इमरान, बोलो तो ऐसे ही कहीं खाने जा रहे हैं। तो कैफे इमरान है ना वहाँ पर। अच्छा, गारो कैफे इमरान जा रहे हैं, और वहाँ पर एक और सिस्टम है, फार्म हाउस जा रहे हैं। फार्म हाउस भी जा रहे हैं, फार्म हाउस भी जा रहे हैं। अब तुम लोगों को पता चल गया भाई फार्म हाउस जा रहे हैं। फार्म हाउस जा रहे हैं, कपड़े वपड़े तो लाए नहीं होंगे। सही बात तुम्हारे साथ, सही। अभी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं और जल्दी से जल्दी भाई चलते हैं फार्म हाउस। चले भाई, पेट्रोल पंप पर आ चुके हैं और अच्छी खासी लाइन है, पहले पेट्रोल डलवाते हैं फिर चलते हैं। मतलब तुम फार्म हाउस इसलिए नहीं आते ना, तुम्हें पानी में जाने से डर लगता है? पानी में नहीं जाता उसने। बस फिर इसको ही पानी में लेकर जाएंगे, इसको गिराएंगे, धक्के देंगे पानी में, और तुम्हारे पास तो कपड़े भी नहीं, और मजा आएगा। स्विमिंग भी नहीं आती। स्विमिंग भी नहीं आती यार, आप लोग बताएं कि हाँ क्या मसला है। अगर इसको पानी में डालेंगे तो पानी सारा बाहर आ जाएगा। यार आप लोग बताएं क्या करना चाहिए, कमेंट्स में आप लोग बताएं कि उसको पानी में गिराना चाहिए या नहीं गिराना चाहिए। यार कमेंट में लिख दो। नहीं यार। चले भाई, मोबाइल में लोकेशन लगा दी है, और अभी सवा घंटा लगेगा हमें पहुंचने में, और इस वक्त टाइम हो रहा है 10:48। याद है ना लास्ट गारो में गए थे तो क्या हुआ था? याद है ना? तो बस पिछली दफा भी तुम ही आगे बैठे थे, तो मैं बोल रहा हूँ तुम पीछे चले जाओ। हाँ सावधान हो। अच्छा, ये क्या होता है वैसे? होशियार। हाँ होशियार। जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्या करें भाई? वो लोग सब्सक्राइब करो चैनल को भाई, जाके सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबाओ, बेल आइकन भी दबाओ। कब करोगे भाई, कब करोगे? कोई पैसे लगते हैं क्या करने के? कोई पैसे लगते हैं करने के? फ्री है भाई, फ्री है ना भाई, तो जाके करो यार। कराची क्रॉस कर ली और फुल अंधेरे वाले रोड पर आ चुके हैं। देखें आई बीम बंद करें तो कुछ दिखता ही नहीं है। देखें सामने ट्रक जा रहा है इधर। गाड़ी ना बहुत केयरफुल चलानी होती है, क्योंकि पिछली दफा क्या हुआ था भाई? भाई ये कुत्ता उड़ा दिया था ना। तो अब आप कैमरा पकड़ो, सही है, और मैं गाड़ी चलाऊंगा। सही है भाई। तो कराची से हम निकल चुके हैं, अब गारो पहुंचने में हमें सिर्फ 26 मिनट है भाई। हमारे इधर जो रीवो को इतना बनाया हुआ है ना, देखें असर रीवो इस काम की। ये देखें रीवो पिकअप ट्रक है, मतलब एक नॉर्मल पिकअप ट्रक है। ये देखें ये जा रहा है हमारे इधर भी। मुझे नहीं लग रहा था कि हमारे इधर भी ऐसा चलता होगा भाई, इसका सिस्टम। बकरे लोड होंगे, मैं भी वैसे बकरे ही लाया था अपनी रॉको में भाई। बस अभी गारो में हमारी गाड़ी जा रही है और हमारी ही गाड़ी जा रही है। देख रहे भाई आप लोग कितना अंधेरा है, ये देखें कहाँ तक अंधेरा है। ये देखें भाई कहाँ का रास्ता जा रहा है, टट्टा। आगे कहाँ था? टट्टा मकली गारो। बस गारो पहुंचने ही वाले भाई। भाई हमें मजा भी इतनी लॉन्ग ड्राइव करके जाने में फार्म हाउस पे आता है। हाँ शॉर्ट ड्राइव पे फार्म हाउस पे क्या है, बैरिया टाउन तो रोज जाते रहते हैं, लेकिन थोड़ी लॉन्ग ड्राइव हो ना सिटी टू सिटी तो मजा है। ये बात है ना, मजा आता है थोड़ा। अरे भाई इतने फास्ट रोड पे, एक तो रोड तोड़ा हुआ है भाई, बिल्कुल पता तो चले दूर से, 1 किलोमीटर पीछे बताना चाहिए, इतना हार्ड ब्रेक मारा है भाई। ये देखिए पूरा रोड खुदा हुआ है भाई। भाई जैसे यहाँ पर रोड है ना टूटे हुए, मुझे तो मंडी की याद है, नॉर्दर्न बाईपास याद आ गया, जो हम कच्चे से जाते थे ना। ये देखें बिल्कुल टूटा हुआ रास्ता। ये देखें खाने आए थे वहाँ पर, जब तो बहुत दूर नहीं लग रहा था कैफे इमरान यार, बहुत लंबा रास्ता लग रहा था, अब तो बहुत शॉर्ट लग रहा है कैफे इमरान भी, 1.25 घंटे का रास्ता है मेरे ख्याल से। भाई ये आ गया फाइनली कैफे इमरान। अब कैफे इमरान तो आ गया, अब यहाँ से हमें ना अपना फार्म हाउस ढूंढना है, समझ रहे हो? साखरो जाना है हमें, है ये तो यार इधर बात नहीं थी यार। कहाँ लेके जा रहे हो यार? कैफे इमरान जंगलों में लेके जाएंगे। ओए ओए ओए, अब तो मजा आएगा, हमारी तरह की जगह है ना भाई, जंगलों में एडवेंचर करेंगे भाई, मजा आएगा। चले भाई, ये तो हम फुल कच्चे में जा रहे हैं, फुल अंधेरा ही अंधेरा है, रोड भी नहीं है यहाँ पर तो। सही भाई कोई है तो आ जाओ, इधर तो कोई भी नहीं दिख रहा, सिर्फ ये लोग ही दिख रहे हैं भाई, यहाँ पर ये लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। अभी हम लोग पेट्रोल पंप पे रुके हैं, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलवाना, जनरेटर के लिए डीजल लेना है फार्म हाउस के, तो डीजल लेते हैं कैन में। रहा है हमारा डीजल, किसके लिए भर रहा है भाई? भाई वहाँ जनरेटर है, जनरेटर है उसके लिए भर रहा है। रास्ते में उसको पूरा सीन समझाया तो डर रहा था, कह रहा था नहीं यार मुझे कल ऑफिस जाना है। कहाँ जाना था? ऑफिस था, अभी फोन करके बोल दिया, अब ऑफिस था, अब है नहीं। सही है ना, अब ऑफिस नहीं है, क्योंकि पता नहीं जाते हुए कितने बज जाए, कल क्या पता अगले दिन भी हो जाए, क्योंकि हम बहुत अंदर जाएंगे। हाँ। यार 10 मिनट से बस इसी रोड पे जाए जा रहे हैं। लेफ्ट पे लेफ्ट पे, आ गया आ गया आ गया आ गया, यही ये तो फुल कच्चा रास्ता है भाई। चलो चलो, दो बतखे आएंगी अभी। ये भाई आ गए भाई फार्म हाउस है, दरवाजा खोलो।
अच्छा हुआ फार्म हाउस आ गया, वरना तो मुझे लग रहा था पता नहीं वापस से रांची पहुंच जाएंगे। गेट खुल चुका है हमारा और अभी हमें अंदर जाने, अभी हमें स्ट्रेट जाना है। यहाँ पे दो तीन बने हैं, चलो किसी किसी चीज के अंदर तो है। हाँ यहाँ पर बहुत सारे हैं भाई फार्म हाउस। ओए रास्ता चेक करें भाई, आप लोग कैसा रास्ता बना हुआ है ये, मतलब देखे तो सही फुल जंगल ही जंगल है यार, बेहतरीन जगह है। इधर झाड़ियाँ दोनों तरफ झाड़ियाँ ही है भाई, देख रहे हैं भाई। ये देखे हाई बीम का कमाल, ये देखे ये चेक करें। अभी यहाँ पर ब्लॉग रखे हैं, यहाँ से हमें राइट जाना है भाई। चले भाई यहाँ से मुड़ जाते हैं राइट, कोई भी नहीं है भाई इधर, बस हमारी गाड़ी है अंदर। ये राइट पर आ गए और कच्चा रास्ता स्टार्ट हो गया भाई। एक नई बात पता चली है, यहाँ पर 100 से ऊपर फार्म हाउस है, 100 से ऊपर फार्म हाउस। चले भाई हमारे फार्म हाउस का गेट खोलो भाई, खोलो 21 नंबर। चले भाई आ गए फार्म हाउस के अंदर और अभी तो फुल अंधेरा हुआ हुआ है फार्म हाउस पे। अब यहाँ पर लेफ्ट पे पार्क कर देते हैं गाड़ी अपनी। यार इधर तो फुल अंधेरा ही अंधेरा है यार, बहुत अंधेरा नहीं है यार। राम भाई ये बताओ यहाँ पे असरात वगैरह तो नहीं? यहाँ पे चुड़ैलें पाई जाती हैं। ओ भाई कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, कितना अंधेरा है ना। ये तो दही लेने आया था, यहाँ क्या कर रहा है? नहीं ये दही लेने थोड़ी आया था, ये तो समझा था हम खाना खाने जा रहे हैं हाईवे पे। करना है बोला खाना खाने जा रहे हैं कहीं पे। जिनों का खाना यार आप लोग यहाँ देखें फुल अंधेरा ही अंधेरा, ये देख रहे पूरा अंधेरा ही अंधेरा भाई। लाइट्स वगैरह है या नहीं है? इधर लाइट जला भाई। ये देखें आपके भाई ने कैसे पकड़ा, ये देखें इतने टाइम से कोई नहीं आया। ये देखें मकड़ी का ना जाला बना हुआ है रास्ते में, ये देख रहे हैं आप लोग, ये चेक करें। ऐसा तो भाई हमने मूवीज में ही देखा था, ये देखें अगर आप लोगों को कैमरे में पता चल रहा हो ना। हाँ ये देखें बिल्कुल स्पाइडरमैन का सीन चल रहा है भाई यहाँ तो। हाँ ये देखें यार कैमरे में आ रहा है नहीं आ रहा, लाइट मारो आ रहा है। ये देखें भाई अब विजिबल हो रहा है, देख रहे हैं पूरा नेट बनाया हुआ है, देख रहे हैं ये चेक करें यार। चले भाई सबसे पहले तो यहाँ की लाइट्स ऑन करते हैं, सही है, और उसके बाद बिस्मिल्लाह रहमान। कैसा है भाई अंदर से देखते हैं तो पता चलेगा। चलो भाई ये दरवाजा खोल दिया, जबरदस्त यार। ये ऊपर चेक करो, ये ऊपर क्या सिस्टम है भाई, ब्रिटिश वाइब आ रही है। हाँ यार चलो आओ जरा ऊपर चल के देखें, पहले नीचे के रूम विजिट करते हैं। चारपाई वगैरह डाली हुई है भाई नीचे तो, अच्छा अच्छा सही है भाई। ये देखें बेड रखे हुए हैं, चारपाई है, और यहाँ पर आ जाते हैं वॉशरूम, ये भी सही है। हेलो भाई एक और ये रूम आ गया, सही है, ये रूम भी अच्छा बना हुआ है, और ये वॉशरूम आ गया। चलो भाई अब पूल दिखाओ ना, पूल पहले ऊपर चलते हैं, ऊपर का गेम देखते हैं ऊपर क्या सीन है। आ जाओ ऊपर। ये देखें भाई वुडन स्कीना स्टेयर्स बनी हुई है, सही है बेहतरीन। और ये जो ब्रिज बनाया हुआ है ना ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये देखें यार ये ब्रिज बना हुआ है, ये देख रहे हैं, ये इस तरफ एक स्टोर रूम बना हुआ है और उस तरफ आ गई बैल्कनी, सही है भाई। और यहाँ से मेरे ख्याल से विंडो है बाहर देखने के लिए, हाँ विंडो बनी हुई है यहाँ से बाहर देखने के लिए। और इधर बाहर पूल है हमारा, आपको नीचे दिखाते हैं। इसको थीम बिल्कुल वैसी दी गई है जैसे नॉर्दर्न साइड पे होटल्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसी दी गई। चले भाई ये आ गया हमारी मेन चीज जिसके लिए हम आए, फार्म हाउस पूल। जबरदस्त ये देखें भाई, पूल तो छोटा लग रहा, पूल छोटा लग रहा है, डीप नहीं लग रहा। आप जाओ इसमें बात की थी ना क्या पूल में जाएगा तो पानी बाहर आएगा, वैसे नहीं जाने वाला भाई। यहाँ पर पट्टी आ गई है, यहाँ क्या है ये, इसको क्या बोलते हैं, कैरम आ गई है, सही है भाई। दो गेम्स उधर खेल सकते हैं, बस स्विमिंग पूल में जाने की देर है भाई। अभी तो ये पूल है, सही है ये पूल है, लेकिन सुबह जो सीन है ना, मतलब वो तो एक नेक्स्ट लेवल का ही सीन है। ओ भाई क्या कर रहे हो, पानी साफ कर रहे हो, सही जॉब मिली हुई है इसको। सुबह जो सीन है ना, सुबह एक नेक्स्ट लेवल का ही सीन है, उधर तो फिर आप समझ लें कोई अलग ही सिस्टम है, ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो सुबह होने दे फिर आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या सीन है। देखो तुम्हारे लिए पूरा सेटअप है, वहाँ नहीं जाओ, बच्चे पानी में नहीं जाते, नहीं पानी में नहीं, आपके आपके लिए ना, आपके लिए और स्लाइड्स वगैरह लगी हुई है। चले भाई और अब जनरेटर के अंदर डीजल भी डलवा रहे हैं कि मसला नहीं हो, वैसे तो लाइट है लेकिन मसला नहीं है, लेकिन बात के लिए। अच्छा भाई देखें जनरेटर में पेट्रोल कैसे डल रहा है, पाइप से डल रहा है, पाइप अंदर जा रहा है फिर हवा डालेंगे और ऐसे पेट्रोल आएगा ना डीजल। हाँ सील लगाते हैं, क्या सील लगा रहे हैं शाम के साथ, क्या धक्का देते हैं, धक्का देते हैं, सही है। और बात है जाओ 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 तुम क्या कर रहे हो, तुम भी जाओ मजा आ रहा है, गलत करा तुम्हारे साथ, सही करें करें, सही करें। मैं कपड़े नहीं चेंज किए अभी। अच्छा कपड़े, अरे धक्का तो इसको देना था भाई, धक्का तो इसको देना था, तुम लोग को इसने धक्का दे दिया यार। यार बाहर आओ, आ जाओ। चले भाई अब कपड़े चेंज करके ना चलते पानी की तरफ, ये लोग तो चले गए, मेरे से इंतजार नहीं हो रहा, ठंडा है भाई। चलो भाई पानी के अंदर, यार ये तो बहुत ठंडा पानी है और स्लिप भी हो रहा है नीचे।
एक भाई अंदर चले जाए तो फिर सारे ठंडक वंडक ना खत्म हो जाएगी। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, क्या मसला है भाई। अब सही है, थोड़ा बेहतर हो गया भाई। अभी ना हम सब पानी के अंदर जाने वाले हैं और देखते हैं कौन सबसे लेट पानी से निकलता है। तो 1 2 3 गो। पाँव कौन पकड़ा था ये पता नहीं। अभी भी भाई 3 लोग भाग गए हैं पानी के अंदर और एक और बाहर आ गया। सही है, मुझे लग रहा है ये जो छोटा बच्चा है ना। नहीं नहीं यार, भाई आ जाओ आ जाओ, जीत गया जीत गया। एक सेकंड में यही सोच रहा हूँ यार, इतनी जल्दी मैं कैसे बाहर आ जाऊँ। अच्छा ये गया ही नहीं पानी के अंदर, वो पानी से आकर अंदर गया, बाकी से अंदर गया वापस। ये कौन सी गेम खेल रहे हो भाई, ये देखे वापस अंदर चले गया। बहुत मजा आ रहा है, जाओ पानी के अंदर। हु आर यू? आई एम अंडर द वाटर, प्लीज हेल्प मी। ये हमने पत्थर ढूंढ रहे, अब इसको फेंकने जा रहे हैं और फेंक दिया, जिसने जीत लिया ये पत्थर तो उसको मेरी तरफ से बिरयानी 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 दावत नहीं। इधर कहाँ पे, पीछे जाओ पीछे जाओ, चीटिंग नहीं हो। आप भी आ गए, मैं भी जा रहा हूँ। ये देखो भाई, ये पत्थर पकड़ा और ये फेंक दिया। चलो भाई मिल गया मेरी तरफ से आपको। अरे पुराना पत्थर था, पुराना पत्थर है, अरे वही पत्थर है, पुराना पत्थर है, तो गेम हो गई हमारे साथ। नहीं नहीं वही पत्थर है, कैच छोड़ा, वो क्या हो जाएगा, बीची बिल्ली बन जाएगा। सही है, आराम से बॉल फेंकनी, आराम से बॉल फेंकनी। यार वो छोटा है यार, उसके साथ ऐसा भी तो नहीं करो। ये बॉल वहां पकड़ ली, पकड़ ली। जिसने भाई कैच छोड़ा है वो बीची बिल्ली बनेगा। ये छोड़ दिया, आ जाओ आ जाओ, ये चीटिंग है इसमें, आ जाओ आ जाओ। क्या तेज मारी, आ जाओ। ओहो ये लो, तुमने यूं ही छोड़ दिया यार। ये देखो, ये लो, ओए वहां चली गई, जाओ जाओ पकड़ो जाओ। चलो भाई ये पकड़ो, ठीक है ये रही बॉल, ये लो ये लो। ये देखो ये देखो, ओए 2 3 आ जाओ पानी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमाउस है तो गारो में, लेकिन मुझे पता था कैफे इमरान से बहुत दूर होगा। अगर अभी हम कैफे इमरान खाने जाते तो 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। अच्छा वो हम पार्सल ले आए, खाना खा रहे हैं, इनकी तो पूरी फौज आ गई। ये देखें, ओए ओए ओए, ये तो खाने का सुन लिया भाई इन लोगों ने। ये आ गई हमारी बीफ बिरयानी, अभी भी गर्म है भाई। नहीं ये तो हाथ से ही खाना पड़ेगा। चले भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहाने के बाद तो कुछ भी अच्छा लगता है यार। नहाने के बाद ना बस आप खाते रहो, भूख लगती है। अच्छा लगा खाना, मजा आ गया यार। हाँ भाई अच्छा है यार। कुछ ना पिक्चर्स लिए मैंने, और किस चीज की पिक्चर्स लिए यहाँ पर, किस चीज की पिक्चर्स लिए भाई, तारे की पिक्चर ली, और क्या पिक्चर आई है ये देखें। अब आप लोगों को शायद व्लॉग में दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, लेकिन इधर पूरा आसमान भरा हुआ है। व्लॉग में दिखेगा, तकरीबन 10-15 दिख रहे हैं, 10-15 दिख रहे हैं। इसके असल में ग्लासेस है, मुझे तो 200-300 दिख रहे हैं भाई। क्या हो गया आगे पानी में, क्या हुआ? अब खेलेंगे, अब खेलेंगे, खाना खा लिया, 1 घंटा आराम कर लिया, बुढ़ गए, अब जरा पानी में खेलेंगे, तफरिया करेंगे भाई। चले भाई अब जरा अंडर वाटर चलते हैं। खींचने पीछे हिशाम तैयार है, देखो हिशाम तैयार है, वो देखो हिशाम रेडी खड़ा हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मोबाइल ढूंढो, मोबाइल हो भाई, मोबाइल पानी में गिरा दिया है। मोबाइल क्या इसका, मोबाइल क्या है, पिक्चर खींच रहा था। मोबाइल उठा, मोबाइल उठा, इसका मोबाइल तो वाटर पैक भी नहीं था, इसका मोबाइल वाटर पैक नहीं था ना। यार मोबाइल नीचे ढूंढो यार, तुम्हें डरा धक्का दे रहे थे, देखना चाहिए था मोबाइल इसके हाथ में यार। यार मोबाइल तो तुम, इसने तो बैटरी भी चेंज करी हुई थी मोबाइल की यार, खुला हुआ था, वाटर पैक नहीं था। दिखा दो अब, दिखा दो, मैंने देख लिया तुम्हारे हाथ में। यार ऐसा नहीं करो फोन के साथ यार। नहीं मैं आ गई, ये चिपकली और ये बशीर भाई रेस्क्यू कर रहे हैं हमें। मैं ये चिपकली निकाला, किससे उठा रहा है, प्लेट से उठा रहा है चिपकली। आएगा ये, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, निकाल लो बाहर निकाल लो, दूर जाके। फजर की नमाज पढ़ते हैं और दिन स्टार्ट करते हैं। माउस को करते हैं क्या, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। पूल को तो वही करते हैं, अल्लाह हाफिज। ये क्या बंद कर रहे हो? हाँ ना बंद कर रहे, बस पैक करें, आ जाओ निकले भाई यहाँ से। पूल में भाई हमें बहुत इंजॉय है, बहुत इंजॉय। मेरे पीछे व्यू आ रहा है ना, वो क्लासी व्यू है, क्लासी व्यू दिखा दें। ये देखें भाई, ये चेक करें, ये देख रहे हैं आप लोग, और वहाँ क्या बनी हुई है भाई, वो लेक बनी हुई है, कहाँ तक जा रही है। अच्छा जेट्स की बगी वगैरह सब है, हाँ तो उस तरफ चलते हैं। और ये छत का रास्ता है, ये टंकी का रास्ता है, तो घर जाना है, घर जाना है भाई। अभी घर थोड़ी जाएंगे, अभी तो बहुत सारा सेटअप बाकी है, अभी तो दूसरा दिन स्टार्ट हुआ है,
और देखें भाई यहाँ पर देख रहे हैं क्या व्यू आना स्टार्ट हो गया, ये चेक करें माशाल्लाह। गाड़ी ना थोड़ी सी गर्म हो रही है, इसको शीशे को साफ करते हैं। सही है, अच्छा अब जरा देखते हैं कि सेटअप क्या है। सेटअप क्या है कुछ पता है? नहीं कुछ भी पता नहीं है, अभी जरा देखते हैं। मामा उससे निकल रहे हैं, अब चलते हैं लेफ्ट की तरफ। और यहाँ तो झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ भाई, फुल कच्चा है भाई, फुल कच्चा। रात को तो पता उधर कुछ दिख ही नहीं रहा था, आगे तो रोड है ही नहीं भाई, टूटा हुआ खुदा भाई ये। ओहो ये तो पूरा खुदा हुआ है, माहौल पता चल रहा है इधर, सुबह का माहौल है। हाँ सुबह का भी ये देखें जबरदस्त। हाँ वो देखें वाटर पार्क वगैरह टाइप की कुछ चीज बनी हुई है, हवा की वजह से टूट गई। ठीक है ये बारिश का, अच्छा ये बारिश का पानी जमा हुआ है, इतना पानी यार। ये देखें पानी पानी है भाई, रोड देखें अंदर कैसा जा रहा है, देख रहे हैं आप लोग, ये चेक करें। साइड पर आ गई है ये लेक है, तो ये भी बारिश का पानी है। ये देखें भाई बारिश का पानी कितना ज्यादा है। मैं ये गाड़ियों की पार्किंग हुआ करती थी, वैसा मैं क्यों कह रहा हूँ हुआ करती थी, क्योंकि आप इधर देखें बोट पार्क होगी, देख रहे हैं बारिश का पानी आ गया पूरा, कोई गाड़ी पार्क हो ही नहीं सकती, अब बोट पार्क होगी इधर। और ये चेक करें, ये देखें, ये देख रहे हैं शेड, आए हाय हाय जबरदस्त, ये चेक करें हमारी जेट्स की, और उधर भी दो और जेट्स की खड़ी है। ब्रिज जा रहा है अभी फिलहाल, हम चलते हैं सीधा देखते हैं उधर क्या क्या सीन है। झूले लगा दिए भैया, व्यू इंजॉय करें ठीक है, और झूला झूले देख रहे हैं भाई, बंदा झूला झूल रहा, और सामने ये व्यू माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखें यार आए हाय हाय जबरदस्त। समझ ले कुछ ज्यादा इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है, ये जो बंदा करता होगा ना वो मतलब इधर आपको यहाँ से सनराइज के वक्त उड़ाता होगा ऊपर, और क्या व्यू होता होगा जबरदस्त। देखिए फैन वाला है, अभी तो उसके विंग्स निकाले हुए हैं भाई बग्गी, लेकिन बग्गी का जो ट्रैक है ना वो बारिश की वजह से पूरा डूबा हुआ है। सही है, तो अभी हम बग्गी तो नहीं चला सकते फिलहाल। आ गया भाई आर्चरी, ये इधर आ गया भाई आर्चरी, और ये आ गया हमारा प्यारा सा व्यू की जाए जेट्स की। तो ये तो हमारे साथ सीन हो गया यार, जेट्स की चलाने तो मैं आया था। जेट्स की का ये सीन है कि भाई उसका जब बंदा आएगा तभी जेट्स की स्टार्ट होगी, अब उसका बंदा कब तक आएगा, अब थोड़ी देर वेट करते हैं वरना यहाँ से निकल जाएंगे। ब्रिज के भी भाई अपने पैसे ही देख रहे हैं, ये ब्रिज बिल्कुल पानी के ऊपर बना हुआ है, वहां से ना बिल्कुल जंगल और साउंड आ रहा है किसी जानवर का। पहले बोट्स खड़ी हुई हैं भाई, जो रात में चल रही थी लेकिन अभी ऑफ हुई है, लेकिन अभी हम शायद ये पैडल बोट चलाएंगे। अभी हमारी पैडल बोट, अब इसको जरा चलाते हैं और चेक करते हैं इसमें मजा आता है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग तरीके की, आज तक मैंने ऐसी पैडल बोट नहीं चलाई। तुमने चलाई? टायर तो देखो ये देखें बहुत बड़ी हुई है भाई। स्टीयरिंग को उस तरफ घुमाओ, इस तरफ कहाँ घुमा रहे हो, उस तरफ घुमाओ, ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें पूरा घूम रहा है भाई ये तो। ये तो चलाना आसान है यार, ये तो बिल्कुल इजी है चलाना, ये देखें ये देखें ये देखें बिल्कुल पानी के अंदर से आ रहा है ये सिस्टम। ओहो क्या व्यू है, कुछ के ना पैडल हार्ड होते हैं वो। हाँ कुछ कुछ पैडल हार्ड होते हैं बहुत, सीधा करो। अच्छा ये अलग तरीके की है देखो, ये अलग तरीके की है देखो, ये दोनों अलग अलग तरीके की है देख रहे हैं। ओए होए बहुत जान लगती है भाई इसमें, वैसे ही थक गए, चलो घुमाओ उसको स्विमिंग कर करके ना, बहुत ज़्यादा ही थक गया भाई। अरे चले घुमाओ घुमाओ, नहीं नहीं आगे वाला टायर खाली घूमता है, भगाओ भगाओ बहुत थक गया यार, दो मिनट चलाइए, पैरों में दर्द हो रहा है यार क्योंकि स्विमिंग की है ना, बहुत ज़्यादा ही थक गया यार। चढ़ो ऊपर चढ़ो, चढ़ना ऊपर मुश्किल है भाई, मोबाइल पकड़ो फिर मैं चढ़ता हूँ, ये लो पकड़ो ना, मजा आता है यार, वो बंदा पता नहीं कब आएगा यार, वरना जेट सी में बड़ा मजा आता है भाई। ये देखे ना भाई यहाँ पर जो ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना, उनको ये फिल्टर कर रहे हैं, और हमारे पास तो दरक ही नहीं, अगर हमारे पास कराची में दरक तो ना ऐसी ठंडी हवा हो जैसी यहाँ पर, ऐसा लग रहा है फ्रिज की हवा आ रही है। अब जा रहे हैं वापसी की तरफ, मेरा गाड़ी चलाने का दिल नहीं कर रहा यार, बहुत थक गया हूँ मैं, आ जाओ यार। नहीं लेकिन तुम्हारी ड्राइव पे मुझे अभी भरोसा नहीं है ना, वरना मैं तुम्हें जरूर दे देता, बहुत थकान हो रही है। गेट खोलो, गेट खुल गया, अब चलें भाई सीधा। यहाँ पर देख रहे खेती बाड़ी हो रही है भाई, फुल दरक वगैरह, नारियल के खज्जी उग रही है भाई, तो ऊँट भी जा रहा है, ऊँटनी है ऊँटनी दूध के लिए जा रही है भाई। ये कुछ दिख रहा है यहाँ पर फुल ना अंदर जंगल वाला माहौल बना हुआ है, हम किसी के एरिया में भी जा रहे हैं अंदर, सही है, और बड़ा बेहतरीन माहौल बना हुआ है यार, ऐसा लग रहा है सऊदीया में आ गए जिस तरीके के इधर दरख बने हुए ना, जरा इधर आगे जाके पूछते हैं अंदर जा सकते हैं खेत में। हाय हाय देख रहे हैं भाई फुल दरख्तों में घिरा हुआ रोड है यार, हाँ जबरदस्त। हाथ में ना सारे नारियल के दरख चल रहे हैं, और लेफ्ट पे ना मेरे ख्याल से चावल की फसल हो रही है, ये देखें लेफ्ट पे, और सीधे हाथ पे सारे नारियल के दरख्त हैं, और आगे कोई ना कोई बैठा हुआ है, तो अंदर आगे जाके पूछते हैं भाई क्या सीन है इधर का। सूरत खेत बनाया हुआ है यार, देखें किसी ने अपना घर बनाया हुआ है, ये देखें कलर वलर किए हैं, बड़ा खूबसूरत खेत है यार जी ये, हाँ खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। अब वो खज्जी है पता नहीं क्या है, ये देखें देख रहे हैं आप लोग, ओए ओए फुल जंगल ही जंगल, हाँ इस तरफ खज्जी है, हाँ देखें ये नारियल है, सही है, और ये आ गई खज्जी, सही सही। और खाली आप लोग यहाँ फील करें यार कैसी जबरदस्त जगह है, देखें किसी चीज़ की फसल उग रही है, और अब चलते हैं भाई गाड़ी में, आगे कोई आया फार्म ऐसा तो आप लोग जरूर देखेंगे।
पहले नहीं, 20 मिनट पहले ये सूरज इतना प्यारा लग रहा था ना, और ये अब ऐसा लग रहा है ना, सर पे लग रहा है अभी आकर ये देखें भाई, फुल तेज हो चुका है ये भाई। मंडी लगी हुई है, मंडी ये देख रहे हैं, जानवर ही जानवर है। और भी फार्म हाउस बने हुए देख रहे भाई, और भी बहुत सारे फार्म हाउस बने हुए भाई यहाँ पर, तो ये देखें जानवर ही जानवर है, जानवर ही जानवर। और ये हाथों हाथ बिकते भी है पता है, ये किसी को पसंद आए गाड़ी लगाई खरीद लिया, ये ऐसे सिस्टम भी होता है। ये देखें बिककर जा रहा है, सौदा हो रहा है, ये देख रहे हैं आप लोग कितने जानवर है, ये देखें हाँ रोड पे सौदा हो जाता है, ये देखें इसमें भी जा रहा है भाई। दुम्बे देखें आगे क्या आ रहे हैं, ऊँट आ रहे हैं, ओए 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 ये चेक करें भाई, व्हाइट ऊँट आ रहे हैं, ये देखें जबरदस्त जबरदस्त, मतलब ये तो पहली दफा देखने के लिए मिला यार। ये देखें व्हाइट ऊँट आ रहा है, इधर तो सौदे ही चले जा रहे हैं देख रहे भाई, कट्टे कट्टे जा रहे हैं, मतलब भैंसे ही भैंसे जा रहे हैं भाई इधर तो। अब हम एंटर हो चुके हैं सिंध में, और इधर देखें ये देख रहे हैं आप लोग कैसी कैसी चीजें मिल रही हैं, मतलब रंग बिरंगी चीजें मिल रही हैं, जगह दो भाई जगह दो। ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं, गारों का बाजार आ चुका है, इधर से हर चीज आपको मिल जाएगी देख रहे हैं भाई, हर चीज फ्रूट्स आएंगे फ्रूट्स मिल जाएंगे, और राइट साइड में मैकेनिक्स आ गए, होटल आ गए, मतलब यार रात में तो बाजार बंद होता है, दिन में पता चल रहा है कितना बड़ा बाजार है यार। ये देखें भाई मोबाइल की भी शॉप पे आ गई भाई, चेक करें भाई आप लोग, ट्रक तो दिख ही नहीं रहा कितना ओवरलोड किया हुआ है, ये तो जानवर भी ओवरलोड हुए हैं, लकड़ी देखें भाई वो देखें यार भाई। बहुत डेंजरस है भाई ये देखें तो सही कितना ओवरलोड है यार। एक चांद महल तो बाहर से साइड मिरर बनी हुई है, सही है साइड मिरर बनी हुई है बेचारी, साइड मिरर बनी हुई है, और ऊपर देखें ये सारी चांद महल जा रही है अंदर यार, क्या तरीका है, जुलुम है यार जुलुम यार। देख रही है भाई आगे ट्रक आ रहा है, ये देखें बहुत डेंजरस है यार, डेंजरस है बहुत डेंजरस है, ये देखें किस तरीके से बिठाया हुआ है, वो साइड मिरर बनी हुई है ना देखो, इंडिकेटर दे रही है उधर का लेफ्ट प्लाजा आगे, जरा टूल देते हैं फिर चलते हैं। जाते ही जा रहे हैं बस बहुत थक गए, चला गए, पीछे दो लोग सो गए हैं, दो जाग रहे हैं, बल्कि तीन सो गए हैं, एक पीछे जाग रहा है और आगे हम दो जाग रहे हैं। ड्राइवर के साथ हमेशा वो बंदा होना चाहिए जो जाग रहा और बातें कर रहा हो, वरना ड्राइवर भी सो जाएगा फिर सभी एक साथ सो जाएंगे, ये क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, फिर सभी सारे एक साथ ही सो जाएंगे जब ड्राइवर सो गया। तो मैं 7 बजे घर पे पहुंच जाना चाहिए था, इस वक्त टाइम हो रहा है 9 बजने वाले, और देखें इतनी ट्रैफिक ही चल रही है, शारा फैसल पे ट्रैफिक, शारा फैसल पे पीछे ट्रैफिक, पता नहीं क्या मसला हुआ है लेकिन ट्रैफिक फुल जैम है भाई, और 1 घंटे से हम शारा फैसल पर है। सही है अब जाओ आप जाकर सो, ठीक है अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर हलवा पूरी खानी है, बिरयानी खानी है, कढ़ाई खानी है, कौरमा खाना है। हलवा पूरी खाने के लिए भाई हम लोग आ गए, हलवा पूरी की दुकान कहाँ गई यार, हाँ इधर है, गरम गरम पूरियाँ बन रही हैं यहाँ पर, ये देखें ये चक्कर है, क्या कह रहे हो, किसने बोला ऐसा, बस खाना रख दो बस। ये देखें भाई हम दोनों ऐसे ही बैठे हुए, ये आया निपटाने भी शुरू कर दिया भाई। आ गई हमारी पूरी, सही है, और ये दही के साथ खाते हैं लेकिन मैं नहीं खाता, और ये आ गया हलवा, बिस्मिल्लाह, सही है भाई अल्लाह, इसी करते हैं ऑफ, गाड़ी करते हैं ऑफ, इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके बताएं आज का ब्लॉग कैसा लगा, इंस्टाग्राम पे राफी दानिश के नाम से फॉलो करें, और जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।